हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास में फ्रेंड्स, एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है, हम वो कर रहे हैं। अभी आप तो जानते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आने वाला है और यूबी पुलिस एग्ज़ाम चल रहा है, तो दोनों को देखते हुए हमने यह सीरीज शुरू की है। और जो संविधान के हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो आप देखेंगे भी कि सब में सन डली हुई है, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं और लिखित संविधान। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको देखिए क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, और नहीं आता है तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, अखिल भारतीय सेवाएं। इसका विवरण देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो शक्तियों का विभाजन, देखिए शक्तियों का विभाजन हमारे संविधान में किया गया है। इस पॉइंट को यहाँ से समझेंगे, जैसे प्रधानमंत्री की शक्ति अलग है, राष्ट्रपति की शक्ति अलग है, मुख्यमंत्री की शक्ति अलग है, और जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी शक्तियाँ अलग हैं। संविधान की सर्वोच्चता, इस पॉइंट में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि संविधान जो है भारत में सबसे सर्वोपरि है। मतलब यदि उसके ऊपर कोई नहीं निर्णय ले सकता है, जो संविधान कहेगा उसी के आधार पर अपन देश चलाएंगे। तीसरा है लिखित संविधान, हमारा संविधान लिखित संविधान है। जैसे कई देशों का संविधान लिखित नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। नेक्स्ट है कठोर संविधान, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको बदला नहीं जा सकता, जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना में कोई आप संशोधन नहीं कर सकते। तीसरा है न्यायपालिका, हमारे संविधान में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखा गया है। जैसे हम अपने डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर हैं, तो अभी हम अपनी पोस्ट पर पोस्टेड हैं, तो हमारे जो डिपार्टमेंट है जुडिशियल, उसमें कार्यपालिका है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मतलब जो न्यायपालिका है अपना निर्णय स्वयं लेती है। सदनीय विधानमंडल, द्वि सदनीय विधानमंडल, इसका मतलब है फ्रेंड्स दो सदन होंगे, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, दोनों में सदस्यों का बर्डन होगा, डिवाइडेशन होगा, इस तरीके से जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? पहला ऑप्शन है M.B. पाइली, गुन्नार मेडल, A.B. डाइसी, K.C. वियर। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहले डी नंबर है K.C. वियर। भारतीय संविधान को K.C. वियर द्वारा संघीय रूप में बताया है, लेकिन भावना में एकात्मक अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें अपना काम का है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया। संविधान ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी नंबर, कि जो भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सत्र में गाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पहली बार कब गाया गया है, तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 24 जनवरी 1950 को, जे डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 15। भारत में
जो संविधान सभा बनी थी उसमें 15 महिलाएं थीं। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 6 दिसंबर 1947 को 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टा भी सीतारामैया, ए बी ठक्कर, जे बी कृपलानी या के एम मुंशी। तो इसका आंसर है बी पट्टा सीता रामैया। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। 1922 में ए वी ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना की। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। फ्रेंड्स, इतना बड़ा जी डिस्क्रिप्शन जो बैडन दिया होगा क्वेश्चन के आंसर में, अपने काम का नहीं है। अपन को केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि बी पट्टा सीतारामैया भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, क्योंकि वही क्वेश्चन अपन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? संप्रभु, लोकतांत्रिक, संघीय और समाजवादी। तो फ्रेंड, इसका आंसर है संघीय, मतलब फेडरल। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख प्रयुक्त सूचक शब्द हम भारत के लोग, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डेड डेस्क के अध्यक्ष से। तो ये कुछ समितियाँ दी गई हैं, पित्यत पत्र समिति, संघ शक्ति समिति, कार्य सूची समिति और मौलिक अधिकार उप समिति। तो इसका आंसर देख लेते फ्रेंड। पहला साथ में का है, अल्लादी कृष्ण अय्यर भारत की संविधान सभा की पित्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और कार्य सूची समिति के एम मुंशी और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे पी कृपलानी। फ्रेंड्स, आपको इन संपत जो समिति के अध्यक्ष हैं, इससे हमने एक ट्रैक भी बताई हुई है, ट्रैक वाली वीडियो डली है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वरना इसको नोट करके आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए, इसको ट्रैक भी बना लेते हैं। जैसे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे नेता थे पहले, तो इनको संघ की पूरी शक्ति दे दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पूरी शक्ति दे दी। दूसरी है कार्य सूची समिति, के एम मुंशी। तो कार्य में का से स्टार्ट हुआ और के एम मुंशी में के एम मुंशी का से स्टार्ट होगा। मौलिक अधिकार उप समिति जे पी किपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डेड्स द्वारा मान्यता दी गई। तो संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई? इसका आंसर है फ्रेंड डी नंबर, मतलब 8-1 द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8-1 द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे बी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डेडस के अध्यक्ष थे। तो जे बी मावलंकर, अभी आपने देखा है क्वेश्चन, इसका आंसर है बी नंबर, कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जे बी मावलंकर। और जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों का पर सलाहकार समिति, उसके जो अध्यक्ष है वल्लभ भाई पटेल। व्यापार समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी और राष्ट्रीय ध्वज प्रदत्त समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो जो भारतीय संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया था? पहला है आंसर 6 से 17 अक्टूबर के बीच में 1949, 6 और 17 अक्टूबर 1949। तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 साल 2 साल
11 महीने और 17 दिन लगे थे। इस अवधि के दौरान इसने कुल 165 दिनों का कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए थे, जिसमें से पहला सत्र बहुत ही पूछा जाता है 9 से 23 दिसंबर 1946। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो इसका आंसर है पहला अम्मू स्वामीनाथनी। अम्मू स्वामीनाथनी जो है 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जब हमने एग्जाम दिया था हमारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया होगा था। इसका जो आंसर है वो है 7। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और जो इसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, उसके सदस्य भी पूछे जाते हैं। इसका इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो जो 7 सदस्य हैं उनको देख लें, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर और जे पी खेतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान डेडस द्वारा हस्तलिखित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया जी सबको पता है। इसका आंसर है सी, प्रेम बिहारी नारायण राज राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो भारत का संविधान डेडस द्वारा हस्तलिखित है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। आप इसको ट्रक यदि चाहे हैं तो बना सकते हैं, जैसे ये लिखा है कि किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। तो भाई जब हस्तलिखित किया गया है तो उसमें प्रेम होगा, और प्रेम के साथ में क्या होगा, उसने सभी की राय ली होगी, तो प्रेम से प्रेम बिहारी हो जाएगा, और राय से सबसे जो लास्ट में लिखा है राय ज़्यादा, जे याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? देखिए अभी हमने बताया था कि जो संविधान की पहली बैठक है वो 6 दिसंबर 1946 में हुई थी, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए जो राज्यपाल है उसकी जो न्यूनतम आयु है राज्यपाल के लिए वो है 35 साल। इसका आंसर है ए, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त भारत के संविधान सभा द्वारा निर्धारित एक राज्यपाल होगा, और उसकी आयु जो है न्यूनतम 35 वर्ष होगी। और भी देख लेते हैं, हाँ ये भी फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन 153 आर्टिकल में है, और संविधान के भाग नंबर 6 में 153 से 167 तक अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया, ठीक है, प्रक्रियाओं को अपनाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जे भारत सरकार अधिनियम 1935, मतलब हमारा संविधान आने से पहले एक जो अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लाया गया था जिसको फॉलो किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण के प्रावधान भी किया? तो सबसे पहला है बी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935। फ्रेंड्स यदि संविधान के क्वेश्चन में आपको कभी ये पूछ ले कि अधिनियम पूछ ले कि मतलब संविधान सभा संविधान हमारा संविधान निर्माण होने में किस अधिनियम का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, तो वो 1935, मतलब 1935 अधिक यूज होगा है, इसलिए इसका भी आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के जो प्रतिनिधित्व थे वो थे 93, मतलब जहाँ पर राजा थे शासन में
वहां से भी सदस्य लिए गए थे। तो वो सदस्यों की संख्या कितनी है, 93। और कुल सदस्यों की संख्या 389 थी जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रखें। संविधान सभा के सदस्यों ने डेडेस को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, मतलब कब किए, हस्ताक्षर कब किए, तो इसकी जो डेट है तो इसका आंसर है बी नंबर, 24 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, तो इसका जो आंसर है वो है 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी M.N. Rao द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडेस नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं। संविधान, क्योंकि यहाँ आपने एक बार देखा है कि जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार, तो उसका आधार कौन बताएगा, संविधान। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, तो अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो बी नंबर इसका आंसर है। 19 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड, वो आप इसको अच्छे से याद रखें। 1946 के दौरान भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वह आरा बिहार के रहने वाले थे, वह पेशे से वकील थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए और कब चुने गए, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदा समिति के फ्रेंड्स अध्यक्ष अपन ने ऊपर देखा है अभी, B.R. Ambedkar। मसौदा मतलब प्रारूप, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. Ambedkar। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए आप भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अपन को पता है भीमराव अंबेडकर थे। फ्रेंड्स हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं, ये 25 क्वेश्चन की सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपका CGL एग्जाम आएगा तब तक हम ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, और जो UP पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी यह सीरीज बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि संविधान से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आते ही हैं, और वो फिक्स हैं, उसमें पलट नहीं सकते। JSTTech GK जैसा एक पार्ट है कि यदि वो पहले से जो क्वेश्चन का आंसर था वो 10 साल बाद भी वही रहेगा, तो आपको ये सीरीज कंटिन्यू लेते रहना है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। कल भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके, जो 26वां क्वेश्चन है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।